नमस्कार दोस्तों आज है चौदह अगस्त और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो इसमें बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना रहे थे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन सी आ, ऐसा एक्ट है या क्या चीज़ थी जिसके सबसे ज्यादा प्रोविजन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्रेम किए गए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन कॉलोनियल टाइम पीरियड में आया था लेकिन इसके कई सारे प्रोविजन ऐसे थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज इट इज इनको लिया गया था क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा लिखा हुआ है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया की गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलर एंड एलिमेंट जो थे वो कब इंट्रोड्यूस करे गए थे मतलब प्रतिनिधित्व वाली जो सरकार होती है या जो पॉपुलर एलिमेंट जो लोकप्रिय तत्व होते हैं वो गवर्नेंस में कब शामिल करे गए थे मतलब जो लोकप्रिय लोग इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होती है तो ये सारी बातें कब इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन तो जो रिप्रेजेंटेटिव का तरीका होता है तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था ध्यान रखिए ये बात क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा लिखा हुआ है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस करा गया था तो आपको पता ही है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 में और इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इनको कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया था मतलब कोई भी मुस्लिम जो पर्सन है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही मेंबर को वोट करते थे तो इसे कम्युनल इलेक्ट्रोरेट बोला जाता था और आगे जो एक्ट आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद आपका मॉन्टेगू चेम्स जो रिपोर्ट आती है 1919 में तो फिर इसमें जो कम्युनल इलेक्ट्रेट का जो सिस्टम था इसको और ज्यादा फर्दर आगे बढ़ा दिया जाता है अदर कम्युनिटीज को दे दिया जाता है और फाइनली ये बहुत ज्यादा गलत चीज थी इसके जो रिजल्ट थे इसके जो आउटपुट थे वो इंडिया के पार्टीशन के तौर पर देखने को मिलते हैं आपको क्वेश्चन फोर्थ की बात करूंगा यहाँ पे असरशन और रीजन दिया हुआ है असरशन में लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 फिफ्टी द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन क्वेश्चन में बोला जा रहा है असर्शन में बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया के गवर्नेंस की जो पावर रहती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर क्राउन या जो ब्रिटिश की ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके हाथ में पहुंच जाती है तो ये सही बात दी हुई है रीजन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी ओर रीजन में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को अब और ज्यादा एडमिनिस्टर नहीं करना चाहती थी तो ये गलत दिया हुआ है तो इस तरह से असर्शन सही है और रीजन गलत दिया हुआ है सी ऑप्शन पे आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट इन इंडिया तो बोला जा रहा है कि किस एक्ट को आधार बना के इंडिया के अंदर डायर की इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो दोस्तों ये बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो डायर की थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी क्वेश्चन सिक्स की बात करूंगा लिखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दी ईयर 1950 तो बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के थ्रू इंडिया में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक इंस्ट्रक्शन था एक सेट था पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया था ठीक है तो बोला जा रहा है फाइनली फिर जब इंडिया आजाद हो जाता है 1950 में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनता है तो उसमें ये चीज शामिल करी गई थी ठीक है तो ये किस बारे में बात चल रही है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजन तो दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात करी गई थी और बाद में फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिया गया तो ये इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर बात कही जा रही है क्वेश्चन सेवन की बात करूंगा लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव ऑन तो ये जो नियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये किसके ऊपर था द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो यहाँ पे फेडरेशन मतलब संघ की और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करी गई थी इस एक्ट के थ्रू तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया है तो को किस तरह से succeed करना है उत्तराधिकार हासिल करना है इसके प्रिंसिपल पे वेस्ट थी तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बात भी गलत दी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक्सेप्टेंस किया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा जा सके तो यह बात गलत दी हुई है क्वेश्चन एट की बात करूंगा लिखा हुआ है द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ में ट्रेड करती रहती है लेकिन एक टाइम पीरियड में आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी मतलब इंडिया के साथ अकेले हम ही व्यापार कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं लेकिन एक एक्ट आता है जिसके थ्रू ये जो मोनोपोली थी ठीक है तो ये खत्म कर दी गई थी तो बात करी जा रही है कि ये कब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चार्टर चार्टर एक्ट एक्ट तो बात ध्यान रखिएगा के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है इंडिया के साथ ट्रेड को लेके जो थी मोनोपोलि खत्म कर दी गई थी क्वेश्चन नाइन्थ की बात करूंगा यहाँ पे कुछ एक्ट के नाम दिए गए हैं और इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है चलिए बताते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट एंड इंडियन काउंसिल एक्ट चलिए तो मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलता है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 के टाइम पे देखने को मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में फिर इसके बाद आपका द चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलता है और

ये गलत दिया हुआ है कि ये लोकल गवर्नमेंट को पावर की बात कर रहे थे देने की की लिखा है टू डायर इन दी प्रोविंस तो ये बात अभी मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सोर्ट जो कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के ऊपर आधारित था तो वहां पर ये डायर की इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंस में तो ये बात सही दी हुई है यहाँ पे और लिखा है द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट

फेडरेशन तो ये बात, सही हुई है। दोस्तों, ये बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव में प्रोविंशियल ऑटोमी विथ ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टेड लेजिस्लेचर तो यह बात भी सही दी गई है कि जो प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनोमी गई दी गई थी और जो गवर्नमेंट थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉरन इलेक्टेड लेजिस्लचर ये बात सही दी हुई है थर्ड लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविसेस एंड दी क्रिएशन ऑफ टू न्यू प्रोविंस तो ये तो सरासर गलत दिया हुआ है तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है नाइनटीन थर्टी फाइव का जो एक्ट आया था तो वो एक ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने की बात करता है और प्रोविंसियल लेवल पर वहाँ पे ऑटोनमी दे दी गई थी ठीक है जो चुन हुई सरकार थी तो जो विधानमंडल था उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी क्वेश्चन ट्वेल्व की बात करूंगा लिखा है विथ रेफरेंस टू दी कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है वो इंडिया के साथ कॉलोनियल टाइम पीरियड पर ट्रेड करती है और उसकी मोनोपोली रहती है लेकिन एक समय पर यह सब

तो इसको लेके कुछ प्रोविजन को लेके बात करी गई है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो देखते हैं सबसे पहले लिखा है रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर नंबर ऑफ ऑफ एडिशनल सेंट्रल लेजिस्लेचर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो केंद्रीय विधानमंडल था जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था तो वहां पे एडिशनल जो नंबर थे उन, उनके नंबर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था रेस कर दिया गया था तो दोस्तों ये बात सही लिखी हुई है ऐसा हुआ था सेकंड लिखा है इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेचर तो दोस्तों ये बात भी सही लिखी हुई है जो आपका मॉर्लोमेंटो रिफॉर्म रहता है तो यहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था तो ये बात सही है और थर्ड लिखा है इट एम्पावर्ड लेजिस्लेशन टू डिस्क बजट एंड टू मूव रेजोल्यूशन ऑन इट ठीक है तो जो विधानमंडल था तो उसको इतनी पावर दे दी गई थी कि आप बजट के ऊपर बहस कर सकते हो और रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हो तो ये तीनों बातें यहाँ पे सही दी हुई हैं क्वेश्चन फोर्टीन की बात करूंगा टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस एक्ट किस प्लान के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट स्टेट बनाए गए थे तो दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक्ट के बात करी गई है यहाँ पे इस गाइनटीन वाज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जब पास करा गया था तो इसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के अंदर जो प्रोविंसियल गवर्नमेंट के अंदर डायर की ला दी गई थी सही बात है रीजन दिया है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कमिटी हैज रिकमेंडेड दी इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की इन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ये बेस्ड था मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर

इसको लेके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं चलिए बात करते हैं पहला लिखा in भी रही है बाहर। <laughs> आ, मैं आपको, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उनको लेके हम बात करते हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था पहला लिखा है कि इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर जो टेरिटरी थी जो कि उन लोगों ने जीत ली थी तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट रहती है वो वहां पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्टैब्लिश कर देती है ओवर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोस्तों ये सही बात नहीं हुई है यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट दिया है मेक गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था ये बात भी सही है और लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो डोल सिस्टम चल रहा था तो उसको बंद कर दिया गया था तो ये बात भी सही है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ये जो भाई साहब थे ये लेके आते हैं आपका डोएल सिस्टम और बाद में इसको फिर बंद कर दिया गया था तो ये तीनों बातें यहां पे सही दी गई हैं तो पहला ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन सेवनटीन की बात करूंगा लिखा हुआ है द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी टेकन बाय क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहला जो स्टेप लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ताकि उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल बना रहे तो ऐसा किसके थ्रू एक्ट के थ्रू करा गया था तो अभी मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ईस्ट इंडिया के ऊपर अपनी जो कमांड थी उसको कंट्रोल करने लगती है टाइट करने लगती है क्वेश्चन एटीन की बात करूंगा लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चैम्प बोर्ड जो रिपोर्ट आती है तो इसने किस एक्ट का आधार बनाया था इस रिपोर्ट के ऊपर कौन सा एक्ट बेस्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे जैसे मोन्टेगू जो रिपोर्ट थी उसके बेस पे इसको बनाया गया था तो ये बात यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन 19 की बात करूंगा और रीजन दिया हुआ है लिखा है गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर बोथ डॉक्यूमेंट तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये दोनों लेंदी डॉक्यूमेंट है बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है सही बात है अब इसके बाद यहाँ पर रीजन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज टेकन एज ए मॉडल एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ

क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया के साथ इसकी मोनोपोली रहती है और वो जो मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन के थ्रू उसको बैन कर दिया गया था कि आप अकेले इनके साथ व्यापार नहीं कर रहे कर सकते लेकिन यहां पे कुछ एक दो कमोडिटी रहती हैं जैसे कि श्यूअर रहती है ठीक है तो उसके साथ ये ट्रेड कर सकते थे लेकिन बाद में एप्सोलूटली मना कर दिया गया था आपकी मोनोपोली को तो यहाँ पेट मोनोपोली जो थी वो बंद करने की बात करी जा रही है शुरुआत जो करी गई थी वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से थ्री से मोनोपोली बंद कर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की लेकिन एक या दो कमोडिटी को छोड़ दिया गया था और बाद में फाइनली टोटल तरीके से बैन कर दिया जाता है द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ट्वेंटी लिखा हुआ है विच वन ऑफ फॉलोइंग वेस्टेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ये अब सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहां पे बोला जा रहा है कि इंडिया को कर, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जो सुप्रीम पावर रहती है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी ठीक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य रहता है तो ये जो बॉडी थी ये जो पर्सन था इसको जो पावर थे ये किस एक्ट के थ्रू दिए गए थे यहाँ पे ये बोला जा रहा है तो बात करी जा रही पिट्स इंडिया इंडिया एक्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ दोस्तों आपको पता ही है एटीन फिफ्टी के टाइम पर रिवोल्ट हो जाता है फिर इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसको उसके जो पावर रहते हैं वो छीन लिए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को कंट्रोल करने लगता है ठीक है और फिर वहां पे एक एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का एक बॉडी एक पर्सन को पावर दे दिए गए थे जो कि इंडिया को लेकर सभी तरह के फैसले था? तो डायर की पहली बार कब इंट्रोड्यूस करी गई थी तो आपको पता ही है डायर की नाइनटीन में लाई गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थे ये जो कमिटी की रिपोर्ट थी इसके बाद ये जो एक्ट आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके थ्रू यहां पर की इंट्रोड्यूस कर दी गई थी तो ट्वेंटी का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन ट्वेंटी की बात करूंगा यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मेन फीचर क्या देखने को मिलते हैं इंट्रोडक्शन मुस्लिम है, दोस्तों यह, यह बात तो यहाँ पे गलत दी हुई है दिया गया था। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यह बात गलत हो जाती है सेकंड लिखा है डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अथॉरिटी टू दी बाई दी सेंटर ठीक है तो ये बात यहां पे सही दी गई है और तीसरा लिखा हुआ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन एंड एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो इसको एक्सपेंड भी करा गया था और रिकंस्टिट्यूट करा गया था सेंट्रल और प्रोविंस लेवल पे जो विधानमंडल था उसको फिर से रिओर्गेनाइज करा था रिकंस्टिट्यूट करते हैं एक्सपेंड करते हैं तो ये बात भी यहाँ पे सही दी हुई है तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन Uh, यहां पे सही दिया हुआ है डिवोल्यूशन ऑफ लेजि अथॉरिटी ठीक है तो जो सेंट्रल सेंटर की जो विधानमंडल uh, को लेकर जो अथॉरिटी थी उसको थोड़ा डाल्यूट कर दिया गया था तो यहां पे यह बात करी जा रही है तो ये यह यहां पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर लिखा दिन uh, फ्रीडम अंडर द एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव रेसिडोरी पावन वर्ग वन टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट आया था नाइनटीन आपका 35 के टाइम पे फेडरेशन तो इसमें बात करी जा रही है जो संघ का निर्माण करा गया था फेडरेशन बनाया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1935 तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बचे हुए पावर थे रेसिडरी जो पावर थे वो किसको दिए गए थे तो यहाँ पे बात करी जा रही है गवर्नर जनरल के ठीक है तो गवर्नर जनरल को जो भी बाकी बचे हुए पावर थे वो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को उनकी अथॉरिटी बताया गया था क्वेश्चन ट्वेंटी की बात करूंगा

यहाँ पे कुछ हमको मैचिंग करना है एक तरफ कुछ एक्ट के नेम दिए गए हैं दूसरे तरफ किसके ऊपर वो बेचता है ये सब हमको बताना है सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन जीरो तो दोस्तों ये मिंटो रिफॉर्म को लेकर बात कही जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन डायर की आती है तो ये मोन्टेगू चेम्पोर्ट रिपोर्ट को लेकर बात करी जा रही है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ

फंडामेंटल right तो राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड करने की बात कही थी सही बात है बी ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर टू फंडामेंटल राइट ये गलत दिया हुआ है यहां पे। और सी ऑप्शन दिया है अगस्त ऑफर 1940 में आता है ये फंडामेंटल राइट की बात करता है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट की बात कौन कर रहा है नेहरू रिपोर्ट करती है तो ये भी गलत है और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है क्रिप्स मिशन उन्नीस ये फंडामेंटल राइट की बात करता है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं केवल पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन ट्वेंटी की बात करूंगा लिखा हुआ है कि किस एक्ट को लेके जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि ये चार्टर ऑफ सिलेवरी है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन ट्वेंटी लिखा हुआ इन ईयर डिड पार्लियामेंट अडोप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने अडोप्ट कब करा था तो आपको पता ही है छब्बीस जनवरी तो यहाँ पे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये ड्राफ्ट हो गया था ठीक है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के थ्रू क्वेश्चन थर्टी लिखा हुआ है विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायर की देखिए ये तो मैं दो तीन बार बता चुका हूं कि यहाँ पे आपकी जो डायर की थी कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो दोस्तों वो 1919 में शुरू करी गई थी। लेकिन पे में गया है, डायर की सेंट्रल लेवल पे, तो पे डायर की आपकी 1935 में इंट्रोड्यूस करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलिए क्वेश्चन थर्टी की बात करूंगा लिखा हुआ कैबिनेट मिशन में जो मेंबर थे उनमें से कौन एक मेंबर नहीं था पैथेक लॉरेंस स्टेफोर्ट क्रिप्स ए बी अलेक्डर तो ये सारे लोग थे कैबिनेट मिशन के अंदर जॉन साइमन ये पर्सन नहीं रहता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन थर्टी टू की बात करूंगा लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो बिगेस्ट सोर्स था वो कौन सा था तो ये पहले ही मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव था ये बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट था और इसके कई सारे प्रोविजन एज एट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेब्लिस करे गए हैं शामिल करे गए हैं तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन थर्टी थ्री की बात करूंगा लिखा हुआ है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फोर्स में कब आ गया था तो छब्बीस जनवरी 1950 आपको पता ही है ये बात क्वेश्चन थर्टी फोर लिखा है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर सेटअप करा गया था किस एक्ट के थ्रू तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कॉलोनियल टाइम पीरियड में इस एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया था क्वेश्चन थर्टी लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड दी स्कीम प्रोवाइडेड इन दी बोला जा रहा है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो स्कीम थी ये कहां से ली गई थी तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तो ऐसी बात करी गई थी तो यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि किस कौन सी चीज को आप कंट्रोल करेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू यहाँ से ली गई थी और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑफ फॉलोइंग आर दी प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट नाइन बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो मेजर फीचर है वो कौन कौन से थे पहला लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ दी प्रोविंस तो प्रोविंशियल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी वहां पर डायर की सिस्टम लाया गया था प्रोविंस के अंदर ये बात सही है और अभी मैंने बताया सेंट्रल लेवल पे जो आ, डायर की लाई गई थी वो 1935 के एक्ट के थ्रू लाई गई थी ठीक है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है सेकंड लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दोस्तों ये गलत दिया हुआ है अभी मैंने बताया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में लाया गया था ना कि 1919 में तो ये बात यहाँ पे गलत दी हुई है और थर्ड ऑप्शन दिया है डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी सेंटर टू द प्रोविंस ठीक है तो सेंटर का प्रोविंस के लिए जो विधानमंडल की जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर कर देंगे हस्तांतरण कर देंगे डिवोल्यूशन कर देंगे उसका तो यह बात भी सही दी हुई है इस एक्ट के थ्रू ऐसा हुआ था तो यहां पे पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है ठीक है बाकी सेकंड ऑप्शन यहां पे गलत दिया हुआ है तो दोस्तों आज से हमने इंडियन पॉलिटिक्स से स्टार्ट करी है और यहां पे हमने सबसे पहला जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में बात करी एम कम थे जो कि हमने फिनिश कर लिए हैं कल हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है किस तरह से उनकी मीटिंग्स होती हैं ठीक है कौन कौन से, से सेशन होते हैं जो वेरियस टाइप की कमेटी बनती है उनके लीडर्स कौन रहते हैं तो ये सारी बातें हम कल करेंगे फिलहाल के लिए बस इतना ही स्टडी करते रहिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू